हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये रोजगार समाचार है नवंबर 2019 के थर्ड वीक का और इसमें 20 विभागों में देशभर में 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है और इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज से तैयार किया गया है। इसके अलावा राज्यों में भी वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन ली गई है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी है मैंने वीडियो में, डिटेल देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। तो पहली वैकेंसी आ रही है CBSE से, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पर 357 पद हैं, स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एनालिस्ट IT, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंटेंट के। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 12th या ग्रेजुएशन या PG या BTech या MSc या डिप्लोमा, मतलब इनमें से कोई भी डिग्री है आपके पास तो आप संबंधित पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है मैक्सिमम 40 ईयर्स, हालांकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज लिमिट है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 16 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी आपको देख लीजिए, ये 1500 रुपये है फॉर ग्रुप ए पोस्ट के लिए और 800 रुपये है फॉर ग्रुप B and C के लिए। और सैलरी बताई गई, गुड सैलरी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। अगली वैकेंसी इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन से है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, प्रतिष्ठित देश का, और यहाँ पर पद हैं 7, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट। इतने तरह के पद हैं। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएशन या PG डिग्री। कोई भी डिग्री हो तो आप संबंधित पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 30 नवंबर। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये से 250 रुपये के बीच में है और सैलरी बेहतरीन है। आप देख लो, 18,000 से लेकर 1,12,400 रुपये तक सैलरी चली जाती है। इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जोर दबाइएगा। अगली वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से, यानी UPSC से। यहाँ पर 14 पद हैं कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। योग्यता होनी चाहिए 12वीं प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट है 21 से 40 साल। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 16 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी आप देख रहे हो 65 रुपये से लेकर 125 रुपये है और सैलरी अच्छी खासी है, 20,200 रुपये तक चली जाती है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। और अब मध्य प्रदेश की बात, बहुत सारे लोग जो मध्य प्रदेश से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि 2019 का जो अब तक का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसका MCQ अवेलेबल हो गया है। करीब 1200 से ज़्यादा MCQ हैं जो आपके अगले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत काम के हैं। आप उसका PDF भी ले सकते हो और जिन लोगों ने पहले से परचेज किया हुआ है वो उसका फ्री में अपडेट ले सकते हैं। तो दिसंबर तक का अपडेट फ्री में मिलेगा लेने पर, ओके। अगली वैकेंसी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से है, यानी MPPSC। यहाँ पर 336 पद हैं फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। दो तरह के एग्जामिनेशन हैं, उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। और कौन कौन से पद हैं इसमें वो देख लेते हैं एक बार। तो आप SDM या SDO, इसके अलावा DSP, इसके अलावा अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड, डिस्ट्रिक्ट सिविल कंज्यूमर ऑफिसर, नायब तहसीलदार, सबनेट अकाउंट्स ऑफिसर, इसके अलावा असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉर फॉरेस्ट। तो इतने तरह के पद हैं और इसके लिए योग्यता होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन सिंपल। देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एज लिमिट है 21 से 40 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 9 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक है, काफ़ी ज़्यादा है बॉस। और सैलरी ठीक ठाक है। इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती भी मध्य प्रदेश से आ रही है MPPSC से। यहाँ पर 37 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फार्मा वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी सहायक संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए BSc एग्रीकल्चर और PG डिग्री। एज लिमिट है 21 से 40 साल। लास्ट डेट है 7 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी 2500 रुपये तक चली जा रही है। क्या हो रहा है इस देश में बेरोजगारों के साथ, बताओ? 2500 रुपये तक फॉर्म भरने के फ़ी लेंगे और सैलरी 40,100 रुपये यहाँ दिख रहा है, ओके। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो डिटेल। अगली भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट से है। यहाँ पर 3678 पद हैं क्लास 4 पीयून और ड्राइवर पद के लिए। योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास। एज लिमिट है 18 से 40 साल। लास्ट डेट है 17 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी है 150 रुपये और कुछ के लिए 100 रुपये और सैलरी मिलेगी 12,400 रुपये पर मंथ। देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है।
अगली भर्ती CISF से है, यहाँ पर ढेर सारे पद हैं, 300 हेड कांस्टेबल GD के लिए, लेकिन ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए है। 12वीं पास प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो होनी चाहिए। एज लिमिट है 18 से 23 साल, लास्ट डेट है 17 दिसंबर, एप्लीकेशन फी ₹100 है। अगली भर्ती मेघालय पुलिस में है, यहाँ पर 1015 पद हैं, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, फायरमैन, ड्राइवर, सिग्नल ऑपरेटर, फॉलोअर के लिए। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 5वीं पास या 9th पास या 10th पास या 12th पास, तो इनमें से कोई भी डिग्री है तो फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 27 साल, लास्ट डेट 14 दिसंबर, एप्लीकेशन फी ₹50 है और सैलरी बहुत अच्छी खासी है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेघालय के लोगों के लिए। अगली भर्ती NIT दिल्ली से है, यहाँ पर 24 पद हैं, अच्छी खासी भर्ती चल रही है। यहाँ पर कौन कौन से पद हैं, पर्सनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडेंट एंड टेक्निकल पोस्ट से। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 12th पास, अगर सिर्फ 12th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं संबंधित पद के लिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या बीटेक या पीजी या अदर्स। एज लिमिट है मैक्सिमम 35 ईयर्स, लास्ट डेट है 20 दिसंबर, फी नहीं लगेगा, बहुत बेहतरीन बात है। और फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है और सैलरी तो पूछिए मत, ₹18,000 से लेकर ₹1,77,500 पर मंथ, फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश से है, यहाँ पर 30 पद हैं लॉ क्लर्क और रिसर्च असिस्टेंट के लिए। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ यानी LLB। एज लिमिट है 18 से 30 साल, लास्ट डेट है 22 नवंबर, एप्लीकेशन फी ₹800 है सभी कैंडिडेट्स के लिए और सैलरी ₹20,000 पर मंथ मिलेगी, फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती JNU से है, देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से, 11 पद हैं, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, ओके। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन सिंपल, एज लिमिट है मैक्सिमम 40 ईयर्स, लास्ट डेट है 9 दिसंबर, एप्लीकेशन फी ₹500 है फॉर जनरल एंड OBC और फी नहीं लगेगा फीमेल सभी कैटेगरी और SC ST और PWD के लिए। और सैलरी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, ₹35,400 से लेकर ₹1,42,400 पर मंथ, फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। अगली भर्ती IBPS SO से है यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यहाँ पर 1163 पद हैं, HR, पर्सनल ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। योग्यता होनी चाहिए LLB या ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर या MBA या PG डिप्लोमा। एज लिमिट है 20 से 30 साल, लास्ट डेट है 26 नवंबर, एप्लीकेशन फी ₹100 से लेकर ₹600 है और सैलरी ठीक ठाक है, ₹25,700 तक सैलरी चली जाती है, फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। अगली भर्ती SSC से, यहाँ पर CGL 2019 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। योग्यता होनी चाहिए इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री, एज लिमिट है 30 साल मैक्सिमम, प्लस एज लिमिट में छूट मिलेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए, लास्ट डेट है 25 नवंबर, एप्लीकेशन फी ₹100 है फॉर जनरल एंड OBC, इसके अलावा SC ST और PH के लिए फी नहीं लगेगा। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं, तो असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर IAB रेलवे में, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन CBI, इंस्पेक्टर पोस्ट है, इंस्पेक्टर CBI, सब इंस्पेक्टर NIA, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ग्रेड 2 ऑडिटर, मतलब कई तरह के बेहतरीन पद हैं और इसके लिए सैलरी बेहतरीन है, करीब 1.5 लाख तक सैलरी चली जाती है, फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती IIT कानपुर में चल रही है, 18 पद हैं, जूनियर टेक्नीशियन, JEE, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार और PRO, ओके, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के भी पद हैं। योग्यता होनी चाहिए इसके लिए ग्रेजुएशन या ITI या डिप्लोमा या BTEC या BE या MSc। एज लिमिट है मैक्सिमम 50 ईयर्स, लास्ट डेट है 26 नवंबर, फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फी ₹250 से ₹500 है और सैलरी ₹21,700 से लेकर ₹215,900 तक चली जाती है, फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। अगली भर्ती इंडियन नेवी से, यहाँ पर ऑफिसर के लिए भर्ती चल रही है, यहाँ पर पद हैं 144 ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल एंड एजुकेशन ब्रांच के लिए। योग्यता होनी चाहिए इसके लिए BE या BTEC या MSc विद फिजिक्स ऑब्लिक मैथमेटिक्स। एज लिमिट की बात करें तो आपका जन्म होना चाहिए 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2000 के बीच में, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है 19 दिसंबर, एप्लीकेशन फी ₹215 है और सैलरी बढ़िया है, 1,10,000 के आसपास सैलरी चली जाती है, फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल से है, यहाँ पर 3,650 ग्रामीण डाक सेवक के पद हैं। योग्यता होनी चाहिए 10th पास विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश।
एज लिमिट है 18 से 40 साल, लास्ट डेट है 30 नवंबर फॉर्म भरने के लिए, और एप्लीकेशन फी 100 है और सैलरी ठीक ठाक है। ओके, अगली भर्ती नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे से है। यहाँ पर कोई स्थायी नौकरी नहीं है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भर्ती चल रही है। 2029 पद हैं, योग्यता चाहिए 10th पास विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटिव ट्रेड्स, मतलब कई तरह के ट्रेड्स हैं उसके लिए हो रहा है। एज लिमिट है 15 से 24 साल, लास्ट डेट है 8 दिसंबर, एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है और नहीं लगेगा फी वुमेन SC ST के लिए। तो ये था रोजगार समाचार नवंबर 2019 के 3rd वीक का, और हम लोग हर संडे की रात 8 बजे ये वीडियो लेके आते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ, 2019 का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो ज़रूर देखना आप, उसका सैंपल भी अवेलेबल है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा 1200 MCQ है इसमें। ओके, बाय।